दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। क्या आपको मालूम है गोवा में ये सब खुलेआम होता है? दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे भारत में ऐसे बहुत से जगहें हैं जहां पर जाने पर आपको अलग अलग तरह का एहसास होगा। एक तरफ जहां आप जम्मू कश्मीर की ठंडी हवाओं में वादियों का मजा लेंगे, तो वहीं साउथ इंडिया की हरियाली में अपनी अलग ही खूबसूरती है। लेकिन भारत में एक जगह ऐसी है जहां पर जाकर आपको लगेगा ही नहीं कि आप भारत में आए हैं। इसी वजह से अधिकतर टूरिस्ट उस जगह पर आते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा, हम गोवा की ही बात कर रहे हैं, जहां आपको ऐसी ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी जिन्हें देखने के बाद कोई भी नॉर्मल भारतीय जो कभी गोवा न गया हो उसकी आंखें बटन की तरफ बाहर निकल आएंगी। तो दोस्तों अब यहाँ सवाल ये आता है कि गोवा में ऐसा क्या खास है जो इसे भारत के बाकी जगहों से अलग बनाता है? यहाँ के लोग किस तरह की जिंदगी जीते हैं? दोस्तों इन सभी चीजों को पूरी तरह से जानने के लिए मेरे यानी अपने दोस्त विशाल प्रजापति के साथ वीडियो के बिल्कुल अंत तक बने रहना। और हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल प्रजापति न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करने में बिल्कुल भी कंजूसी मत करना। दोस्तों गोवा एक ऐसी जगह है जहां पर एक युवा एक ना एक बार जरूर जाना चाहता है ताकि वो अपनी जिंदगी को फुल टू एंजॉय कर सके। क्योंकि अगर भारत में रहकर आप अच्छी तरह से नाइट लाइफ और बाकी चीजों को एंजॉय करना चाहते हैं तो गोवा से अच्छी जगह आपको कहीं नहीं मिलेगी, जहां पर आपको हर चार कदम पर एक ना एक बार देखने को मिल जाएगा जो धड़ाके से चलता है। तभी तो पूरे गोवा में 7000 से भी ज्यादा बार मौजूद है जिन्हें सरकार से लाइसेंस मिल चुका है। दोस्तों गोवा भारत में होने के बावजूद यहाँ पर पुर्तगाली संस्कृति देखी जाती है, क्योंकि पहले ये पुर्तगाल के कब्जे में था। जी आपने बिल्कुल सही सुना, गोवा में लगभग 450 सालों तक पुर्तगाल ने कब्जा करके रखा था और यहाँ जो मूल निवासी है उन्हें अपनी विरासत पर गर्व है, इसलिए उन्होंने अपनी पुरानी इमारतें वगैरह बहुत अच्छे से संभाल रखी हैं। दोस्तों गोवा दुनिया के उन जगहों में से एक है जहाँ पर सुबह नाश्ते के साथ बियर के जाम लगाए जाते हैं। यहाँ पर किसी भी तरह का कोई पर्दा नहीं है, हर कोई बिल्कुल फ्रीडम के साथ यहाँ पर रह सकता है, क्योंकि यहाँ की सुबह जितनी ही ताजी और रिफ्रेशिंग होती है शाम उतनी ही ज्यादा मैजिकल होती है, क्योंकि गोवा को यहाँ की नाइट लाइफ और पार्टी के लिए बहुत ज्यादा जाना जाता है। दोस्तों गोवा में यूं तो कई सारे अलग अलग नाइट क्लब मौजूद है जहाँ की रातें बहुत रंगीन होती हैं, लेकिन यहाँ आपको दो सबसे प्रसिद्ध नाइट क्लब देखने को मिल जाएंगे जिनमें से एक का नाम है टिटोज कैफे और दूसरे का नाम है मिमोज कैफे। दोस्तों इन जगहों पर गलियों में घूमते हुए सड़क किनारे बने किसी भी रेस्टोरेंट में आप अच्छा खासा खाना और संगीत का पूरा मजा उठा सकते हैं। और दोस्तों नाइट क्लब्स के अलावा भी बीच पर बनी कुछ छोटी जगहें शानदार पार्टीज के लिए सबसे ज्यादा बेहतरीन मानी जाती हैं, और हॉलीडे वगैरह पर वो आम दिनों के मुकाबले बहुत ही ज्यादा भीड़ होती है, क्योंकि गर्मियों में भारत के अलग अलग राज्यों से युवा यहाँ मौज मस्ती के लिए आते हैं, तो वहीं यूरोप के नागरिक यहाँ सर्द मौसम में आना पसंद करते हैं। हालांकि गोवा की लाइफस्टाइल जितनी शानदार और एंजॉय करने वाली है यहाँ पर पैसा भी उतना ही ज्यादा खर्च होता है। इसी वजह से लंबी छुट्टियां मनाने के लिए पैसे वाले लोग इसी जगह को चुनते हैं, क्योंकि गोवा में किसी भी तरह की कोई पाबंदियां देखने को नहीं मिलती। आपको सबसे खुले विचारों वाले लोग गोवा में देखने को मिलेंगे जो किसी के पहनावे या उसके बोलने या रहने के ढंग पर उसको बिल्कुल भी जज नहीं करते। यही कारण है कि यहाँ पर रहने वाले लोगों से ज्यादा यहाँ पर टूरिस्ट आपको देखने को मिलेंगे जो बड़े मजे से यहाँ की जिंदगी एंजॉय करते हैं। अगर हम यहाँ पर बाकी चीजों की बात करें तो कैंडोलिन बीच, कोलवा बीच और बागा बीच यहाँ के सबसे बड़े बीच है। यहाँ की राजधानी पणजी है। इसके अलावा मंडगांव, वास्को और पोंडा गोवा के प्रमुख शहर है। दोस्तों भले ही गोवा सबसे छोटा राज्य हो लेकिन प्रति व्यक्ति आय के मामले में ये सबसे अमीर राज्यों में से एक है। आंकड़ों के अनुसार यहाँ सभी भारतीय राज्यों की तुलना में प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा है। वैसे गोवा में और भी कई सारी चीजें आपको अनोखी देखने को मिलेंगी, क्योंकि एशिया का सबसे पुराना मेडिकल कॉलेज गोवा में ही स्थित है जिसे 18वीं शताब्दी में पुर्तगाल शासन द्वारा बनाया गया था। और सिर्फ इतना ही नहीं, सबसे पहला प्रिंटिंग प्रेस भी गोवा के सेंट पॉल कॉलेज में चालू किया गया जो पूरे एशिया का सबसे पहला प्रिंटिंग प्रेस है। वैसे बात इतने पर खत्म नहीं होती, क्योंकि पूरे भारत का सबसे पहला इंग्लिश मीडियम स्कूल भी गोवा में ही बना हुआ है जिसका नाम सेंट जोसेफ हाई स्कूल है। दोस्तों आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि गोवा में दो स्वतंत्रता दिवस मनाए जाते हैं। जी हाँ, एक 15 अगस्त को भारत के स्वतंत्रता दिवस के रूप में और दूसरा 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है। दरअसल सन 1947 में भारत के आजाद होने के बाद भी गोवा भारत का हिस्सा नहीं था,
इसे पुर्तगालियों ने अपने कब्जे में ले रखा था। पुर्तगालियों ने सन 1510 से 1961 तक यानी कि 451 सालों तक गोवा में राज किया। गोवा की आजादी की लड़ाई में राम मनोहर लोहिया का बहुत बड़ा योगदान है। इसके लिए उन्हें जेल भी जाना पड़ा। उन पर 5 साल के लिए घूमने पर प्रतिबंध लगा, पर फिर भी उन्होंने लड़ाई नहीं छोड़ी। 19 दिसंबर 1961 में भारतीय सशस्त्र सेना द्वारा ऑपरेशन चलाया गया, जिसे गोवा मुक्ति संग्राम या गोवा मुक्ति आंदोलन भी कहते हैं। इस ऑपरेशन को ऑपरेशन विजय नाम दिया गया। दोस्तों, इस सैन्य कार्रवाई में जल, थल और वायु तीनों सेनाओं ने भाग लिया। दोस्तों, यही सब कारण है कि 1961 से पहले गोवा में पैदा होने वाले व्यक्ति के पास दोहरी नागरिकता मौजूद है, एक पुर्तगाल की और एक भारत की, यानी वो दोनों देशों का नागरिक कहलाता है। परंतु इतने लंबे समय तक पुर्तगाल का यहाँ पर शासन होने की वजह से यहाँ की अधिकतर आबादी ईसाई धर्म को मानती है और उसी धर्म के हिसाब से रहती भी है। दोस्तों, आप लोगों ने गोवा की मॉडर्न जिंदगी के बारे में सुन लिया और इसके इतिहास के बारे में भी सुन लिया, लेकिन गोवा की सबसे अनोखी चीज जिसके बारे में शायद ही किसी को पता होगा, वो अब हम आपको बताते हैं, क्योंकि शायद ही किसी को पता होगा। उत्तर गोवा में एक गुफा है जिसे पांडव गुफा कहते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि महाभारत काल में निर्वाचन के दौरान पांडव इसी गुफा में रहा करते थे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारी वीडियो शायद पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो गोवा के बारे में आपका क्या ख्याल है हमें कमेंट में जरूर बताइए, और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए हमारे चैनल प्रजापति न्यूज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। और हम फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे दो और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।